हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला सो माय डियर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमिस्टर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे एंड बेहतर तरीके से आप लोग अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जो एस ब्रांच है उसने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने थर्ड सेमेस्टर के कोर्स स्ट्रक्चर को रिलीज़ किया है जहाँ पर आप लोग जान पाएंगे कि आप लोगों के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं कौन कौन से आपके मेन पेपर हैं कौन कौन से आपके जनरल रिकलेक्टिव पेपर हैं कौन कौन से आपके ए या फिर एस या फिर वी पेपर हैं सो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों के बी ए ऑनर्स पोलिटिकल साइंस सेमिस्टर थर्ड जो कि बेस्ड है उनका क्या कोर्स स्ट्रक्चर है कौन कौन से सब्जेक्ट हैं एंड सो ऑन ये जो वीडियो है ये डी रेगुलर डी ओ एसओ एनसी तीनों स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल है काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है सो डियर स्टूडेंट्स ये है आप लोगों का बी ए ऑनर्ट्स पोलिटिकल साइंस कोर्स स्ट्रक्चर जो कि पूरी तरह बेस्ड है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर ये जो कोर पेपर हैं ये जो कोर्स स्ट्रक्चर है ये आप लोग जो हैं अपने न्यूली सेमिस्टर में पढ़ने की कोशिश करने जा रहे हैं जहाँ पर आप लोगों के पास टोटल फाइव सब्जेक्ट होंगे जिसमें पहला है आप लोगों के कोर पेपर्स दूसरा है आप लोगों के जेंडिक जेंडिकल्टिव पेपर्स उसके बाद हैं आप लोगों के एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स दैन उसके बाद हैं आप लोगों के स्किल इन्ेंसमेंट कोर्स एंड इन द लास्ट आपके पास हैं आपके वैल्यू एडिशन कोर्स तो ये तमाम पाँच कोर्सेज़ आप लोगों को कवर करने हैं जैसे कि आप ने अपने फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में कवर किए थे सो so, यहाँ पर अगर हम बात करें आप लोगों के पास कौन कौन से मेन या फिर कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे यानी कि डी पेपर्स के बारे में अगर हम बताएं तो आपके पास यहाँ पर थ्री पेपर्स गिवन हैं, जैसे कि आप लोगों के पास सेमिस्टर वन एंड सेमिस्टर टू में थे यहाँ पर डी पेपर सेवन है पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट एंड डिबेट्स इसका सिलेबस जो है डियर स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी वीडियोज़ के माध्यम से कवर कर चुके हैं अगर आपने उन वीडियोज़ को अभी तक दे नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है आप उन पर जाकर जो है चेकआउट कर कर सिलेबस को बेहतर तरीके से जान सकते हैं समझ सकते हैं उसके बाद है आप लोगों का डी पेपर एट जो कि है एनसी एंड मेडिएवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट देन उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट पेपर जो कि है डी पेपर नाइन विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया तो ये जो तीन पेपर हैं ये आप लोगों के मेन एंड कंपलसरी पेपर्स हैं जो कि हर हाल में आप लोगों को पढ़ने हैं उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों के जन रिकलेक्टिव पेपर के बारे में तो यहाँ पर कुछ लिस्ट गिविन है सब्जेक्ट्स की जहाँ पर आपको कोई एक पेपर जो है चूज़ करना है जिसमें है जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक सेकेंड या फिर मीडिया इन हिस्ट्री डिफरेंशियल इक्वेशंस वेल्थ मैनेजमेंट एंड काफ़ी अदर सब्जेक्ट जो हैं यहाँ पर गिवन हैं जो भी आप इसमें से चूज़ करना चाहें वो आप चूज कर सकते है, Then, हैं एज़ योर जेंडिकलेक्टिव पेपर दैन इसके बाद यहाँ पर पोल साइंस का भी पेपर गिविन है जो कि है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया देन इसके बाद आप लोगों के डी एंड जनरल एंड पेपर्स के बाद आगे आते हैं आप लोगों की एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स यानी कि ए पेपर जो कि यहाँ पर एक ही पेपर गिवन है जो कि आप लोगों को पढ़ना कंपलसरी है जो कि है एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इन प्रैक्टिस टू जहाँ पर आपको यूनिट फाइव से लेकर यूनिट सेवन तक कवर करना है इससे पहले आप लोगों ने इन्वामेंटल साइंस का जो पार्ट वन है वो कवर किया था अपने सेमिस्टर वन एंड सेमिस्टर टू में यहाँ पर आप लोगों को जो इसका पार्ट टू है यूनिट फाइव से लेकर सेवन तक आप लोगों को यहाँ पर कवर करना है इसके बाद है आप लोगों का स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स यानी कि एस सी सी पेपर जहाँ पर आप लोगों को इनमें से कोई एक सब्जेक्ट जो है चूज़ करना है जो आपने फ़र्स्ट एंड सेकेंड सेमिस्टर में नहीं पढ़ा हो जहाँ पर है फाइनेंस फॉर एवरी वन communication in everyday life. रंगमंच कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन एंड बिजनेस कम्युनिकेशन जो भी आप लोग इसमें से चूज़ करना चाहें वो आप चूज़ कर सकते हैं लेकिन आप लोगों को वही सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपने सेमिस्टर वन एंड सेमिस्टर टू में एज अ स्किल इन्समेंट कवर नहीं किया है उसके बाद आता है आप लोगों का लास्ट पेपर जो कि है वैल्यू एडिशन कोर्स यानी कि वी पेपर यहाँ पर भी लिस्ट गिवन है इस लिस्ट में से आपको वही वही सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपने सेमिस्टर वन सेमिस्टर टू में नहीं पढ़ा है जैसे कि रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज फिलोसफी एंड प्रैक्टिस एंड यहां पर जो है इमोशनल इंटेलिजेंस ये सब्जेक्ट जो है यहाँ पर गिवन है इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप लोगों को आप लोगों को चूज करना है अपना थर्ड सेमेस्टर का वी के तौर पर एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल ट्वेंटी टू क्रेडिट्स हैं जहाँ पर आपके बारह क्रेडिट जो हैं वो आप लोगों के डी यानी कि मेन पेपर्स के हैं दो क्रेडिट हैं आप लोगों के ए पेपर के दो क्रेडिट हैं वी पेपर के चार क्रेडिट हैं आप लोगों के जनरल कलेक्टिव या डी पेपर के एंड इन द लास्ट आप लोगों के दो क्रेडिट हैं एस के सो so, ये है आप लोगों का कोर्स स्ट्रक्चर आप लोगों का बी एनर्स पोलिटिकल साइंस सेमिस्टर थर्ड जो कि बेस्ड है यू जी सी एफ एन ई पी ट्वेंटी ट्वेंटी सो डियर स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप लोग जान गए होंगे कि क्या सब्जेक्ट हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोगों को कवर करने हैं एंड स्टूडेंट्स आप लोगों को बता दें कि आप लोगों की जो एग्जामिनेशन की डेट सीट है वो ऑलरेडी हमने अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है जहां पर आप लोगों को बताया है कि आप लोगों के जो एग्जामिनेशन हैं वो जनवरी में जो हैं स्टार्ट होने जा रहे हैं एंड डियर स्टूडेंट्स आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतर तरीके से इस कोर्स स्ट्रक्चर को जानने के बाद अपनी पढ़ाई में लग जाएंगे बेहतर तरीके से आप लोग अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे एंड इसी विश्वास के साथ डियर स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आप लोगों के कुछ भी डाउट्स हैं तो आप वाया कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी स्टडी मेटेरियल होगा वो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर एज सुन एज पॉसिबल हम लोग जो है वहाँ पर अपना जो स्टडी मेटेरियल है वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करने जा रहे हैं